माननीय विधायक पप्पू बर्तौल जी और विक्की बर्तौल जी, प्लीज अब मान जाओ और शांति से जियो और रहने दो, क्योंकि मैंने सच में शादी कर ली है। ये सिंदूर मैंने फैशन में नहीं लगा रखा, ये शादी कर ली है इसलिए लगा। एक सेंसेशनल वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि पापा जी जरा अपने लोगों को बोल दीजिए, भाजपा को लोगों को बोल दीजिए कि वो थोड़ा सा नरमी बरतें, अदरवाइज मैं आपकी पोल खोल जाऊंगी। और जो आपने मेरी हत्या के लिए लोग भेजे हुए हैं राजीव राणा नाम के और ये और वो सारे कुछ, इनकी भी पोल खोल जाऊंगी और आप अपनी औकात में रहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं वो भी औकात में अपनी रहिए। ये वर्ड किसने बोले? ये वर्ड बोले हैं एक ऐसी लड़की ने जो एक विधायक की लड़की है जिसका नाम है राजेश मिश्रा, जो बरेली के विधायक हैं और जिनकी बेटी ने एक दलित के साथ शादी कर ली है, शायद उनकी नाक कट गई है। अब बेटी ने शादी कर ली है, उसने एक अपील की है, ये अपील मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ दोस्तों। इस अपील को पहले सुन लीजिए। पापा और विक्की, पापा बोले तो माननीय विधायक पप्पू बर्तौल जी और विक्की बर्तौल जी, प्लीज अब मान जाओ और शांति से जियो और रहने दो, क्योंकि मैंने सच में शादी कर ली है। ये सिंदूर मैंने फैशन में नहीं लगा रखा है, ये शादी कर ली है इसलिए लगा रखा है। और पापा, आपने जो अपने कुत्ते भेज रखे हैं ना मेरे पीछे जस्ट लाइक राजीव राणा, उसको बताओ अगर मेरे सर के ऊपर से पानी चला गया तो उसका पूरा खानदान जेल में होगा। मैं परेशान हो चुकी हूँ, मतलब इतना घूम घूम के हम परेशान हो चुके हैं और हमारी जान को खतरा है। और एक बात कहना चाहूंगी विक्की और पापा की, अभी और उसके रिलेटिव्स को परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि उन लोगों की कोई गलती नहीं है, जो कुछ किया है मैंने और अभी ने किया है। और अब शांति से जियो और राजनीति करो। मैं खुश रहना चाहती हूँ और आजाद रहना चाहती हूँ। और मैं इस वीडियो के थ्रू एक बात कहना चाहूंगी, इन फ्यूचर अगर मुझे और अभी के फैमिली के किसी भी मेंबर को कभी कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे पापा विक्की बर्तौल और राजीव राणा होंगे। राजीव राणा तो स्पेशली जो पूरी टीम लेकर आया हुआ है और मेरे पीछे घूम रहा है, मैं मर तो जाऊंगी लेकिन उसका पूरा खानदान मिटा के जाऊंगी। राजीव जी ये चीज ध्यान रखना। और बरेली के मंत्री सांसद एमएलए से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं कि जो लोग मेरे पापा की हेल्प कर रहे हैं वो मेरे पापा की हेल्प करना बंद कर दें, क्योंकि सच में हमारी जान को खतरा है। और प्लीज पापा अपनी सोच बदलो, अभी और अभी की फैमिली इंसानी है, कोई जानवर नहीं है वो लोग, तो प्लीज अपनी सोच बदलो। अच्छे लोग हैं, मैं खुश रहूंगी उनके साथ, प्लीज। और खुश रहो और खुश रहने दो, चुपचाप अपनी राजनीति करो। धन्यवाद। इस बेटे की वेदना और इस बेटे की आवाज आपने सुनी होगी दोस्तों, एक ब्राह्मण की लड़की एक दलित के साथ कैसे कोई देख सकता है? शायद ऐसा कोई ब्राह्मण हो जो ऐसी बेटी को बर्दाश्त कर पाए, शायद मर्डर कर दे। यूपी में ऐसी मानसिकता है ही नहीं, यूपी में इतने ज्यादा सोचने वाले है ही नहीं, इतना अमेरिकन स्टाइल है नहीं। वैसे मोदी जी देश को अमेरिका बनाना चाहते हैं लेकिन मेंटेलिटी नहीं बदल पा रहे उत्तर प्रदेश की। बदल क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि उत्तर प्रदेश की मेंटेलिटी बसा हुआ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात, बस यही चल रहा है। कोई ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कौन खुश रखेगा ज्यादा, दलित हो वो रख ले ज्यादा बढ़िया बात है, लेकिन विधायक जी हैं तो मानेंगे थोड़ी। एक राजीव राणा नाम का अपराधी जो उनका बॉडीगार्ड है राजेश मिश्रा का, वो उनको मारने के लिए घूम रहा है और बेटी सीधे सीधे धमका रही है अपने कुत्तों को रोक लो वरना सबको नंगा कर जाऊंगी। इससे ज्यादा मोहब्बत, इससे ज्यादा कोई बात सुनी होगी? जब अभी के बारे में बात करते हुए वो बेटी बोली, शायद आपको अपनी बेटी याद नहीं आई दोस्तों। क्या ऐसा कोई बाप पत्थर दिल होगा जो अपनी बेटी की इस अपील पे ना पिघलेगा? हम पढ़ते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और अगर हम बच्चों की खुशी का खिलौना नगर नहीं दे सकते तो फिर इस माँ बाप होने का क्या मतलब? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब है जातियों से, क्या मतलब है उस व्यवस्थाओं से जो बना दी गई थी पुराने सालों में। हम कब अमेरिकन बनेंगे? कब तक 1947 से पहले के हिंदुस्तानी बने रहेंगे? कब तक हिंदू और मुसलमान की डिबेट में फंसे रहेंगे? कब तक दलित और ब्राह्मणों की बहस में घुसे रहेंगे? जमाना तो बदलेगा, आने वाली पीढ़ियां जमाना जरूर बदलेंगी, लेकिन विधायक जी राजेश मिश्रा जी आपसे मेरी अपील है कि बेटी ने जो बोला है वो मान लीजिए